हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो रिसेंटली कुछ दिन पहले मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो डाली थी रिगार्डिंग अफोर्डेबल हाउसिंग, और उस वीडियो में बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। मतलब एक लगा लो आप, एक महीने के अंदर ही वो 20,000 प्लस लोगों ने देख लिया वीडियो, कंसिडरिंग की एक ऐसे टॉपिक पे वीडियो बनाई गई है जिसको लोग बहुत कम सर्च करते हैं। और उस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा खाली मोटिव यही था कि मैं अपना जो मेरा एक्सपीरियंस है वो शेयर कर पाऊं, जो कि मेरे कुछ पुराने दोस्त हैं जो ये वीडियो देखते हैं मेरे चैनल पे, उन्होंने बहुत कुछ क्वेश्चन पूछे थे, इसलिए मैंने वो क्लेरिफिकेशन के लिए वो वीडियो बनाई थी। बट वो वीडियो बहुत लंबी बन गई और समवेयर 22 मिनट की वीडियो है, और उस पर अगर मैं उसका एवरेज टाइम ऑफ व्यू देखूं अपने एनालिटिक्स में जाके, तो वो कोई 8 या 9 मिनट की आ रही है कि 9 मिनट तक भी लोग बातें सुन रहे हैं। और कई लोगों ने पर्सनली ये कमेंट भी किया है और मैसेज किए हैं कि वीडियो बहुत लंबी बन गई है, तो इतना टाइम नहीं होता किसी के पास देखने का, तो इसीलिए सॉरी फॉर दैट। तो मैंने सोचा कि उस वीडियो के मैं कुछ पार्ट्स बनाऊंगा अपने चैनल पे जो कि आप लोगों के श्योरली हेल्प करेंगे, और एक प्लेलिस्ट सेपरेट बना लूंगा, उस पर आप लोग जाके सर्च भी कर सकते हैं क्या क्या अपडेट होंगे। और एक क्वेश्चन मेरे पास कई सारे लोगों ने पूछा है, यानी ये लगा लो जो मैंने अपलोड की थी वीडियो, तो कई लोग जो मुझे पहले से जानते थे बट उन्हें पता नहीं था मेरे चैनल है यूट्यूब पे, तो उन्होंने मुझे डायरेक्टली फोन करके भी पूछा कि और सजेशन मांगा कि मुझे खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, तो वो बात अलग थी जो मैंने उन्हें बताया। बट इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ जो मेरे पास अभी एक लेटेस्ट क्वेश्चन आया था वो क्लियर करना चाहता हूं। तो कई लोगों ने मुझसे ये पूछा है कि गुड़गांव में जो बेस्ट अफोर्डेबल हाउसिंग का बिल्डर है तो वो कौन होगा, तो आई एम सॉरी कि मैं आप लोगों को ये सजेशन नहीं दे सकता कि कौन होगा, क्योंकि ये डिपेंड करता है आपके बजट पे, आपकी रिक्वायरमेंट पे। वैसे अगर देखा जाए, अगर आप इन जनरल पूछें तो सारे बिल्डर अच्छे ही होते हैं, कोई बिल्डर खराब नहीं होता। जो कुछ एक दो ऐसे बिल्डर हैं जिन्होंने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था और कम से कम 3-4 साल हो चुके हैं, प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं कर पाए, उसके पीछे उनका कुछ एक पर्सनल मैटर है, कुछ उनके लीगल मैटर चल रहे हैं, इस कारण वो डिलीवर नहीं कर पाए। और वैसे देखा जाए होलसेल, अगर आप देखें कि आउट ऑफ 100, एक जनरल सा नंबर दे रहा हूं, आउट ऑफ 100 मेरे ख्याल से 98% जो बिल्डर होते हैं उन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स की डिलीवरी दे दी है। कई लोगों का यही क्वेश्चन रहता है कि कुछ एक पर्टिकुलर बिल्डर है, जैसे कि कोई सा भी नाम है, नाम नहीं ले सकता मैं यहाँ इस वीडियो में, तो उस पे बुक करवाऊं, ये बहुत ज्यादा इसके बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट गुड़गांव में आ चुके हैं तो उसको ले लूं, तो ये पूरा डिपेंड करता है आपके चॉइस पे कि आपको यानी कौन सा प्रोजेक्ट सूटेबल है, यानी जो आप जहां आप काम करते हैं या जो आपकी ड्रीम लोकेशन है रहने की, अगर वहां पे आपको प्रोजेक्ट्स कोई आ रहा है तो आप वहां ले सकते हैं। क्योंकि जितने भी अफोर्डेबल हाउसिंग के जो प्रोजेक्ट होते हैं, ये ऐसा नहीं है कि कोई भी बिल्डर सीधा स्टार्ट कर देता है अफोर्डेबल हाउसिंग, इसके लिए उसे पूरा गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ता है, रेरा है, डीटीसीपी है, और 2-3 और अप्रूवल लेने पड़ते हैं, उसके बाद ही वो अपनी जो उसकी सोसाइटी है उसको बनाना स्टार्ट करता है। तो ये आप लोगों का खुद का चॉइस, खुद की डिसीजन होगी कि आप किस बिल्डर के साथ जाना चाहते हैं। बस मैं ये बता सकता हूं आपको कि जो भी प्रोजेक्ट्स ये आएंगे वो सारे अप्रूव्ड होंगे और डिफाइंड टाइमलाइन होती है उसकी, यानी ये 3 से 4 साल में आपको डिलीवर करना होता है। अगर वो फेल हो जाते हैं तो उनको कुछ पेनल्टी लगती है। जो तीसरा पॉइंट होता है वो उनका रिगार्डिंग जो बिल्डिंग के जितने भी लाइसेंस लेने के बाद आपको डिलीवरी करना होता है, मेंटेनेंस जो फ्री होती है, ये सारी चीजें कवर होती हैं हर एक बिल्डर्स को। यानी कोई सा भी बिल्डर डिलीवर करेगा जो अफोर्डेबल हाउसिंग की जो एक नॉर्मल चेकलिस्ट है वो सबको फॉलो करनी पड़ती है। तो यही एक वीडियो थी, इसलिए मैं छोटी वीडियो बनाऊंगा, अब जितनी भी आगे बनाऊंगा ये छोटी छोटी वीडियो आएंगी ताकि आप लोग इसको इंटरेस्ट के साथ देख सकें। तो आप चैनल पे अगर नए आए हो तो सब्सक्राइब करके जा सकते हो। टिल देन थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।